दिन वाला तो बाद पर कम है। हां तो आलू के, आलू मैंने अच्छे से उबाल लेते हैं, उनको तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद उसमें 2 से 3 कलियां जो होती लहसुन की ग्रेट कर ली हैं, और इसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने, क्योंकि किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी हींग और डाल दी है। और अपने हाथ में रायता आपको कैसा लगेगा आप थोड़ा बना के एक बार खा लेना। और लहसुन डाल, कोई भी रायता ना हो तो गार्लिक यानी बस, इसमें से बहुत सारा मक्खन मैंने निकाल लिया इसमें आता है। तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम जो मिक्सर मैंने बनाया था, मतलब जो आलू की स्टफिंग बनाई थी, उसको मैं इस रायते में इस तरीके से आप मिक्स करें थोड़ा सावधानी से, क्योंकि बहुत तेज हो गया मिक्स। ये हरे धनिए की पत्तियाँ मैंने काटी हुई थी, तो ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए डालिए है। अब थोड़ा सा जीरा भून धो लिया है, और ये दिया रख देंगे इसके ऊपर और सीधा रखेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, ठीक है। ये क्या तरी वाली है, कैसी है? तो आई है। अरे मैं दूसरा दे लिया, बोला था।